नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन मिरर में। कहते हैं अगर पन्ना न होती तो महाराणा प्रताप न होता। महाराणा प्रताप हुआ तभी मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास हुआ। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में जहां पद्मिनी के जौहर की अमर गाथाएं, मीरा के भक्तिपूर्ण गीत गूंजते हैं, वहीं पन्ना धाय जैसी स्त्री की स्वामी भक्ति की कहानी भी अपना अलग स्थान रखती है। जब चित्तौड़ के राजा महाराणा प्रताप को याद किया जाता है तो पन्ना धाय का जिक्र न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतिहास का ये किस्सा बहुत दिलचस्प है और बलिदान और त्याग का है, जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। और आज के उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है जो आज सिर्फ पैसे, सत्ता और जातिवाद के घमंड में चूर हैं, जो खुद से श्रेष्ठ किसी को मानते ही नहीं हैं। हम पूरा किस्सा आपको बताएं उससे पहले, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब एंड फॉलो हमारा हौसला कई लाख गुना बढ़ा देता है। महाबलिदानी पन्ना धाय का जन्म चित्तौड़गढ़ के निकट माताजी की पांडोली नामक गांव में हुआ था। पन्ना धाय के पिता का नाम हरचंद सांखला था और इनका विवाह आमेट के निकट स्थित कमेरी गांव के रहने वाले सूरजमल चौहान से हुआ था। जब चित्तौड़गढ़ का किला आंतरिक विरोध व षड्यंत्रों में जल रहा था, मेवाड़ का भावी राणा उदय सिंह किशोर हो रहा था। तभी उदय सिंह के पिता के चचेरे भाई बनवीर, जो कि एक दासी का लड़का था, उसने एक षड्यंत्र रचकर उदय सिंह के पिता की हत्या महल में ही करवा दी तथा उदय सिंह को मारने का अवसर ढूंढने लगा। उदय सिंह की माता को संशय हुआ तथा उन्होंने उदय सिंह को अपनी खास और विश्वसनीय वह उदय सिंह की धाय पन्ना को सौंप कर कहा कि पन्ना, ये अब राजमहल व चित्तौड़ का किला इस लायक नहीं रहा कि मेरे पुत्र तथा मेवाड़ के भावी राणा की रक्षा कर सके। तू इसे अपने साथ ले जा और किसी तरह कुंभलगढ़ भिजवा दे। अब ये तेरी अमानत है, अन्यथा बनवीर इसको मार देगा। ये मेरा हुक्म समझो या प्रार्थना, लेकिन इसको बचाओ। पन्ना धाय राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की धाय माँ थी। धाय माँ वो होती है जो दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करती है और दूध पिलाती है। पन्ना धाय किसी राज परिवार की सदस्य नहीं थी। अपना सर्वस्व स्वामी को अर्पण करने वाली वीरांगना पन्ना धाय का जन्म कमेरी गांव में हुआ था। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को माँ के स्थान पर दूध पिलाने के कारण पन्ना धाय माँ कहलाई थी। पन्ना का पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह साथ साथ बड़े हुए थे और दोनों की एक ही उम्र थी। उदय सिंह को पन्ना ने अपने पुत्र के समान पाला था। पन्ना धाय ने उदय सिंह की माँ रानी कर्मावती के सामूहिक जोहर के बाद बालक की परवरिश करने का दायित्व संभाला था। पन्ना ने पूरी लगन से बालक की परवरिश की और सुरक्षा की। पन्ना चित्तौड़ के कुंभलगढ़ महल में रहती थी। चित्तौड़ का शासक दासी का पुत्र बनवीर बनना चाहता था। उसने राणा के वंशजों को एक एक कर मार डाला। बनवीर एक रात महाराजा विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारने के लिए उसकी महल की ओर चल पड़ा। एक विश्वस्त सेवक द्वारा पन्ना धाय को इसकी पूर्व सूचना मिल गई। पन्ना राजवंश और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थी। वह उदय सिंह को बचाना चाहती थी। उसने उदय सिंह को एक बांस की कटोरी में सुलाकर उसे झूठी पत्तलों से ढककर एक विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया। बनवीर को धोखा देने के उद्देश्य से अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर रक्त रंजित तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में आया और उसके बारे में पूछा। पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर संकेत किया जिस पर उसका पुत्र सोया था। बनवीर ने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझ कर मार डाला। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के वध को अविचलित रूप से देखती रही। बनवीर को पता न लगे इसलिए वो आंसू भी नहीं बहा पाई। बनवीर के जाने के बाद अपने मृत पुत्र की लाश को चूम कर राजकुमार उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। स्वामी भक्त वीरांगना पन्ना धन्य है। पन्ना माता के पिता हरचंद हांकला एक वीर गुज्जर योद्धा थे और अनेकों युद्धों में वो राणा संग्राम सिंह के साथ रहे थे। इतना ही नहीं, वो युद्ध में भी हुतात्मा हो गए थे। ऐसे स्वामी भक्त, देशभक्त और परम निष्ठावान योद्धा की पुत्री को धाय माता बनाना परम सौभाग्य की बात थी। कहते हैं कि रानी कर्मवती से जब उदय सिंह का जन्म हुआ तो रानी तभी से अस्वस्थ रही और निरंतर एक वर्ष गंभीर रूप से अस्वस्थ रही। तब उदय सिंह के लालन पालन के लिए पन्ना को धाय माता बनाया गया। इस धाय ने अपनी स्वामी भक्ति और निष्ठा से सिद्ध कर दिया कि वो जन्मजात शेरनी है और जाति से गुजरी है। अपने कर्तव्य से विषम परिस्थिति में भी नहीं हटने वाली है। जिसने अपने कर्तव्य पूर्ति में अपनी आंखों के तारे, पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश को बचाया। अब आपको समझ आ गया होगा कि महाराणा प्रताप और माता पन्ना का क्या रिश्ता है। अगर वो न होती तो उनके पिता उदय सिंह न होते, और उदय सिंह न होते तो महाराणा न होते।
खुद के पुत्र चंदन की मृत्यु के बाद पन्ना माता उदय सिंह को लेकर बहुत दिनों तक शरण के लिए भटकती रही, पर दुष्ट बनबीर के खतरे के डर से कई राजकुल जिन्हें पन्ना को आश्रय देना चाहिए था, उन्होंने मां पन्ना को आश्रय नहीं दिया। 14 वर्ष की आयु में मेवाड़ी जनता ने उदय सिंह को अपना राजा स्वीकार कर लिया और उनका राज्याभिषेक कर दिया। उदय सिंह 1542 में वापसी कर दोबारा अपने मेवाड़ को आजाद करा लिया और वैधानिक महाराणा बन गए। उस समय माता पन्ना धाय का सीना चौड़ा हो गया। उदय सिंह ने भी माता पन्ना को हमेशा अपनी माँ की तरह ही प्यार और सम्मान दिया। ये इतिहास का किस्सा तमाम उन लोगों के लिए एक सीख है जो आज समाज में जातिवाद का जहर घोलने पर तुले हुए हैं। अगर आज की आधुनिक शिक्षा से अगर आपने सिर्फ जातिवाद और जहर घोलना ही सीखा है, तो भगवान करे सबको वही पुरानी शिक्षा मिले जो माता पन्ना को मिली थी। इस मामले पर आपकी क्या राय है? अगर आपको ये सही लगी तो कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें।